हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है सत्यम। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शेयर ईट के होम स्क्रीन पे अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं, और अगर लगाएंगे दोस्तों तो वो आपका शेयर ईट जो है वो बहुत ही देखने में कूल लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इसी तरह से आप भी अपने शेयर ईट में अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपना फ़ोटो लगा रखा है, तो आप भी अपना फ़ोटो इसी तरह से लगा सकते हैं। और अगर कोई भी देखेगा तो वो ज़रूर आपसे पूछेगा कि ये कैसे ट्रिक किया, मुझे भी बताओ। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस नए और इंटरेस्टिंग तरीके के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर की बटन है दोस्तों, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटे का भी बटन दोस्तों, उस पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए रोज टिप्स और ट्रिक्स मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो लाते रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शेयर ईट के होम स्क्रीन पे आप अपना फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा होम स्क्रीन पे दो एप्लीकेशन है, एक है पहला शेयर ईट और दूसरा है एपीके एडिटर। तो ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले इस एप्लीकेशन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि इसमें सेटिंग कैसे करना है और होम स्क्रीन पे अपना फ़ोटो कैसे लगाना है शेयर ईट के। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहाँ से इस वीडियो को लाइक कर दें, और यहाँ से दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास यहाँ से व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ओके, और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा के परिवार से जुड़ जाएँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर एक कॉमेंट करना है शेयर इट, यहाँ से आपको एक कमेंट करना है शेयर इट, और ये कमेंट करते हैं दोस्तों तभी आप इस तरीके को यूज कर पाएंगे, इस तरीके का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं उस तरीके को। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ शेयर इट ओपन करके कि मैंने यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा रखा है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा रखा है। तो यहाँ से अगर सेंड करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा फ़ोटो आ गया, ओके, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब चलते हैं कि कैसे हम अपना लगा सकते हैं आप अपने फ़ोन में भी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जाएंगे एपीके एडिटर ई, इसमें जाएंगे, ओके। इसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर में ये आप देख रहे हैं सिलेक्ट एपीके फ्रॉम ऐप, तो इसमें हम चले जाएंगे, और इसमें जाने के बाद हम शेयर इट यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से शेयर इट क्लिक करेंगे। तो शेयर इट कहाँ है ये यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर शेयर इट को हम क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर में जो है सिंपल एडिट, इस पर हमें क्लिक करना है, ओके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इमेज में चले जाना है। इमेज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे सबसे नीचे यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर नीचे यहाँ पर सबसे नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन बैकग्राउंड, यहाँ पर इसमें जाना है, और एक्स पीएनजी इसमें जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन बैकग्राउंड में यहाँ पर हम अपना फ़ोटो डाल देंगे, तो यहाँ पर इस पे चले जाएंगे, और इस पे जाने के बाद यहाँ पर आपका जो भी फोल्डर में आपका फ़ोटो है ये वहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। तो जैसे कि मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले रहा हूँ, ये फ़ोटो, और ये हमारा सेट हो गया। और उसके बाद एक्स पीएनजी में अपना फ़ोटो जो है सेट करेंगे, यहाँ से हम फिर से यहाँ पर चले जाएंगे, और कोई जो भी आपका फोल्डर में फ़ोटो है वो यहाँ से ले लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ से ये कर ले रहा हूँ, और उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ से हम सेव कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे सेव का एक ऑप्शन है, इस पर हम सेव कर देंगे, और यहाँ पर कुछ वेट करना पड़ेगा, ये वर्किंग हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ वेट करेंगे और ये वर्किंग हो जाएगा। तो ये अब देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है वो वर्किंग हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हम इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल यहाँ से हम कर और इसे हम फिर से खाली और इंस्टॉल कर देंगे, कंटिन्यू इंस्टॉलिंग, फिर से हम यहाँ से इंस्टॉल। तो यहाँ पर भी कुछ वेट करना पड़ेगा, और ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो कम्प्लीट हो गया, अब यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे,
तो ये देखिए ये फ़ोटो जो है वो चेंज हो गया, पहले दूसरा था, अब मैं यहाँ पर दूसरा फ़ोटो आ गया। ओके ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा फ़ोटो आ गया। यहाँ से सीन में जाएंगे, ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन है ये सब यहाँ पर आ गया, ये सारी। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, अगर आप भी ऐसे अपना सेरिट में फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो आपको सिंपल करना क्या पड़ेगा, आपके पास जो पहले से सेरिट है उसे अनइंस्टॉल करना होगा। ओके जो आपके पास पहले से सेरिट है उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ओके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा सेरिट और APK एडिटर। ओके यहाँ पर ऊपर मैं सेरिट का लिंक मैंने दिया है, तो यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के पास चले जाएंगे और इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है APK एडिटर डाउनलोड, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस ऐप के पास चले जाएंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और इसी तरह का टेक्निकल वीडियो देखने के लिए, इसी तरह से जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।